मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य के बेहद नजदीक है और इसका तापमान भी किसी आग के गोले जैसा ही है। हालांकि सौरमंडल के बाकी ग्रहों के मुकाबले देखा जाए तो हमने इस ग्रह के बारे में बहुत कम ही जाना है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इस ग्रह पर आपका एक दिन कैसा बीतेगा, क्या होगा जब आप बुध ग्रह पर अपना कदम रखेंगे? तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल वही अनुभव देने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, मर्क्यूरी की हमारे सूर्य से दूरी लगभग 5,80,00,000 किलोमीटर है, जो उसके ऑर्बिट को हमारे सूर्य की ग्रेविटी वेल में काफी अंदर तक रखता है। और सूरज से इसकी नजदीकी के चलते लोगों को ये किसी तपते हुए लाल गोले जैसा जरूर लग सकता है, पर वास्तव में ये लाल रंग का है नहीं। बुध ग्रह जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसकी दूरी हमसे लगभग 7,73,00,000 किलोमीटर के आसपास होती है। ये बाकी के आउटर प्लैनेट्स के मुकाबले ज्यादा दूर नहीं है, पर अगर आपको इस प्लैनेट पर लैंड करना है तो आपको लॉन्चिंग के बाद कम से कम 6 से 7 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सूर्य की ग्रेविटी वेल में होने के कारण मर्क्यूरी की तरफ जाने वाले स्पेसक्राफ्ट लगातार एक्सेलरेट करते रहते हैं और इस कारण से इनकी वेलोसिटी भी बढ़ने लगती है। पर एटमॉस्फेयर न होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें काफी लंबा समय लग सकता है। ये एक प्रमुख कारण है कि इस प्लैनेट पर लैंड करना इतना आसान नहीं है जितना आपको बाकी के प्लैनेट्स पर लग सकता है। कुछ हजार किलोमीटर दूर से ही आपको मर्क्यूरी चंद्रमा जैसा नजर आएगा, जिसका रंग काफी हद तक हल्का काला होगा। दूर से ही आप इसके सरफेस पर कई सारे क्रेटर्स यानी कि बड़े बड़े गोलाकार गड्ढे भी देख सकेंगे। इसके आसपास की चमकीली लकीर को क्रेटर्स रे का नाम दिया गया है। ये एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के टकराने की वजह से बना है, जो टकराने पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि आपको ये गड्ढे बेहद गहरे नजर आएंगे। हमारे चंद्रमा के मुकाबले आपको इसकी सतह ज्यादा परावर्त और चमकीली नजर आएगी, मतलब इससे लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके और करीब जाने पर आपको कोई खास एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। मर्क्यूरी का वायुमंडल बेहद पतला और कमजोर है। इस दौरान आप खुद को इसके एक्सोस्फेयर में मौजूद पाएंगे, जो वास्तव में इसके एटमॉस्फेयर की एक थिन लेयर है। यहाँ आपको हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और वाटर वेपर्स का एहसास हो सकता है। आमतौर पर सोलर विंड और प्लैनेट के क्रस्ट की वजह से पृथ्वी के मुकाबले यहाँ आपको सोलर लाइट का प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। और उजाले में टेम्परेचर 420 केल्विन से लेकर 3500 केल्विन तक पहुँच सकता है, जो हम इंसानों को पल में जला सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है कि आप यहाँ बिना किसी स्पेशल डिजाइन सूट के बगैर नहीं आना चाहेंगे। तो चलिए अब लैंड करते हैं। मर्क्यूरी के सरफेस पर लैंड करने के बाद सबसे पहले आप इसकी कम ग्रेविटी का अनुभव करेंगे। पृथ्वी के मुकाबले इसकी ग्रेविटी लगभग 38% है। आप यहाँ बहुत हल्का तो महसूस करेंगे ही, साथ ही कम ग्रेविटी की वजह से आपकी हड्डियों और मांसपेशियों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपको चलने में दिक्कत हो सकती है और समय के साथ साथ इसके गंभीर प्रभाव भी आपको देखने पड़ सकते हैं। हमारी पृथ्वी के मुकाबले आपको यहाँ से सूर्य लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, जिसकी चमक भी लगभग 7 गुना तक बढ़ चुकी होगी, और ये नजारा आपको हैरान कर सकता है। वातावरण न होने की वजह से यहाँ सनलाइट स्कैटर नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ आसमान एकदम काला ही नजर आएगा और साथ ही उसमें दिखाई देने वाले तारों की चमक भी फीकी पड़ चुकी होगी। सबसे विचित्र बात तो ये है कि यहाँ सनराइज और सनसेट यानी सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अलग दिखाई देगा। आपको सूरज पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ये आसमान में ही रुक जाएगा। ये वापस जाते हुए आपको उल्टी दिशा यानी कि पश्चिम से फिर से उगता हुआ दिखाई देगा और फिर उसी दिशा में ये अस्त हो जाएगा। और आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन सनलाइट को मर्क्यूरी तक पहुंचने में मात्र 3.2 मिनट ही लगते हैं। तो अब बात करते हैं इसके तापमान की। सूर्य से सबसे नजदीक होने की वजह से आपको ये शायद सबसे गर्म ग्रह लग सकता है, पर एटमॉस्फेयर की कमी के कारण ये हीट रिटेन नहीं कर पाता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपने डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। मर्क्यूरी पर एटमॉस्फेयर न होने के कारण आपको यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग यानी कि तापमान में होने वाले असामान्य बदलावों से भी गुजरना पड़ेगा। यहाँ दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो हम सब उम्मीद कर सकते हैं,
पर यहाँ रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं की होगी। और ऐसे टेम्परेचर कंडीशंस में सरवाइव करना लगभग असंभव ही है। यहाँ आपका एक साल पृथ्वी के लगभग 88 दिनों में ही खत्म हो जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि इस एक साल में आपके 2 दिन भी नहीं गुजरे होंगे। मर्क्यूरी का रोटेशन पीरियड काफी स्लो है। 1 दिन और 1 रात का समय यहाँ पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर है, जो वाकई में बहुत ज्यादा है। और यहाँ मौसम का कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत लंबे समय तक लगातार इसकी गर्मी और सर्दी दोनों से जूझना पड़ सकता है। न यहाँ आपको कोई बारिश मिलेगी और न ही कोई आंधी या तूफान। यहाँ आपको भूकंप के झटके महसूस होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिनका आकार भी काफी बड़ा हो सकता है। और इसकी वजह है कि ये ग्रह 85% अपनी मेटलिक कोर से भरा पड़ा है, जो मॉल्टन स्टेट में पड़ी हुई है। इन सब के अलावा कई अद्भुत नजारे भी आपको देखने को मिलेंगे, जो जरूर आपको हैरान कर देंगे। इसकी सतह पर कई बड़े बड़े उभरे हुए टीले और घाटियां भी देखने को मिलेंगी। सबसे बड़े इम्पैक्ट बेसिन कैलोरिस का आकार 1550 किलोमीटर तक लंबा है। ऐसे और भी कई बड़े बड़े विशाल बेसिन भी आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि आपको इस ग्रह की कुछ जगहों पर बर्फ भी मिल सकती है। ये बात शायद आपको हजम ना हो, पर मैसेंजर मिशन ने वैज्ञानिकों को इस बात के कई ठोस सबूत दिए हैं। दरअसल अपनी कक्षा और एक्सियल रोटेशन के चलते बुध ग्रह के कुछ अंदर के क्रेटर्स पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, जो इन्हें लंबे समय तक अंधेरे में रखती है। ये आमतौर पर इसके पोल्स पर ही मौजूद रहते हैं। अगर आपको मर्क्यूरी पर लैंड करना है तो ये जगह आपके लिए सबसे परफेक्ट जगह हो सकती है। पर यहाँ तापमान हमेशा नेगेटिव में रहता है, जो आपको और ज्यादा चुनौतियां दे सकता है। सर्वाइव करने के लिए आप किसी आसपास के क्रेटर पर अपना बेस बना सकते हैं और यहाँ मौजूद बर्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब वक्त आ गया कंक्लूजन का कि क्या इस ग्रह पर जीवन संभव है। स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल्स के मुताबिक अगर आप मर्क्यूरी से पृथ्वी तक कोई मैसेज या सिग्नल भेजेंगे तो इसे रिसीव होने में कम से कम 5 मिनट का समय लग सकता है। और सबसे दुखद बात यहाँ पर आपके लिए ये होगी कि पृथ्वी की तरह आप यहाँ पर चंद्रमा का कोई नजारा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी का कोई भी मून नहीं है। तो तकनीकी रूप पर बुध ग्रह पर सर्वाइव करना पॉसिबल जरूर है, पर यह हमारे लिए समय और कई रिसोर्सेज की दिक्कत पैदा कर सकता है। खैर, वैज्ञानिकों ने अभी इसके कुछ ही रहस्यों का पता लगाया है, और बाकी के रहस्यों को लेकर पिछले साल ही एक और मर्क्यूरी मिशन बेपी कोलंबो को वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है, जो साल 2025 में मर्क्यूरी पर पहुंचते ही हमें इसके और रहस्यों के बारे में बताएगा। फिलहाल कैसी लगी है जानकारी, आप हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।